नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए डेली बेस पे उनकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन हो सके, उस हेतु से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी के मैं डिटेल में डिस्कशन आपके साथ करता हूँ, जहाँ पे हम प्रीलिम्स मेंस और जनरल स्टडी पेपर के कौन से पेपर में कौन सा टॉपिक कवर होगा उस रेशी से मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए, यदि आप ड्रॉइंग टू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है। उस लिंक को फॉलो करके आप डेली बेस पे ड्रॉइंग टू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और हमारा डेली करंट अफेयर एनालिसिस देख सकते हैं, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैं हाईलाइट करता हूँ, वही आपसे डिस्कस करता हूँ और अच्छे से आपको बताता हूँ। जरूरी है तो मैं आपको चार्ट इमेजेस के थ्रू भी समझाने की ट्राई करता हूँ, जिससे आपको टॉपिक ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट iaslifestyle.com की भी मुलाकात ले सकते हैं, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि कोई भी करंट टॉपिक में भी आपको कोई इश्यू हो वो भी कमेंट कर सकते हैं, तो उस टॉपिक पे भी मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी के डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर जो भी बच्चे रेगुलर देखते हैं वो बच्चे वो स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस देना ना भूले, प्रेजेंट सर लिख के अपना नाम और एरिया कौन से एरिया से आप हैं वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, तो पता चले कितने बच्चे रेगुलर बेस पे करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज काफी सारे इकोनॉमिकल टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो भी पॉइंट है, जैसे हमने मलाबार एक्सरसाइज वाला और दूसरा सारे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं, तो वो जो डिस्कस किए हुए हैं उसके लिए आपको जो पुराने करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर है वो आप देख लीजिएगा, जो डिस्कस नहीं किए है उसकी डिस्कशन मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कशन शुरू करते हैं पहले एडिटोरियल में, जो कि दिया है सेक्स एंड सरचार्जेस के ऊपर। तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये टॉपिक यदि पॉलिसी के संदर्भ में पूछा जाए तो जीएस पेपर 2 में पूछा जाएगा, और इकोनॉमी की दृष्टि से पूछा जाए तो ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में जीएस पेपर 2 के संदर्भ में पूछी जा सकती है। सबसे पहले समझ लीजिए कि हमारे जो भी कोई गवर्नमेंट के इनकम होती है और वहां पे जो भी कोई एक्सपेंडिचर में खर्च होता है तो उसका रिकॉर्ड होता है, उसकी अकाउंटिंग होता है। ठीक है, उसको ऑडिट कौन करता है, उसको ऑडिट करता है काग, कंट्रोलर एंड ऑडिटोर जनरल, ये सभी को पता होगा, कॉमन चीज है, ये ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ये चीज पता नहीं होगी। दूसरी चीज कि अभी यहाँ पे क्या बात की गई, इससे पहले हमने एक टॉपिक ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, वो था जो 35 CACs है और यहाँ पे वो उनके द्वारा सेंटर को जो भी कोई कलेक्शन होता है। ठीक है, हालांकि इन सारे टैक्सेस का जो पर्पस होता है वो किसी एक जिस भी सेक्टर हो, यानी कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, वहाँ के स्पेशलाइज पर्पस के लिए टैक्स कलेक्ट किया जाता है, लेकिन जो भी पर्पस के लिए टैक्स कलेक्ट किया गया हो, जैसे हमने बात की थी 4% हमने हेल्थ केयर और एजुकेशन पे सेस टैक्स कलेक्ट किया है। ठीक है, लेकिन उसमें से हमने ज्यादातर जो गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन है ठीक है उस पर खर्च किया है, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर पे खर्च किया नहीं था। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोप्राइटरी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोप्राइटरी कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट ने जिस भी पर्पस के लिए सेस टैक्स अप्लाई किया था, ठीक है, उनका कलेक्शन हुआ, रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, तो उनको वो पैसा वहां पे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो अच्छे से क्या हो सके, इस चीज के लिए उन्होंने वो अप्लाई किया है वहां पे वो यूटिलाइज हो सके। ठीक है, लेकिन सेंटर ने क्या किया है, जो भी कोई कलेक्शन आया है, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है, वो एग्जाम्पल देखिए कि 2.75 करोड़ आया थे, जिसमें से 1.65 करोड़ ही ट्रांसफर किया गया है, बाकी का पैसा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको पता होनी चाहिए जो कि यहाँ पे बताई गई, एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और दूसरा है पब्लिक अकाउंट फंड। ये दो चीजें अब समझिए, सेंटर जो 14 फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी रिपीट करते हैं, नए बच्चे उनको फिर से रिविजन हो जाएगा और नए बच्चों को पता चल जाएगा। तो 14 फाइनेंस कमीशन ने क्या बताया था कि यदि सेंटर 100%
टैक्स कलेक्शन करता है 100%, यानी यहाँ पे 100 गिन लीजिए कि भाई जो भी सेंटर टैक्स कलेक्शन करता है उसकी अमाउंट 100 है, तो उसमें से वो 100 में से 42 जो सेंटर है, 42 जो सेंटर है उनको स्टेट को प्रोवाइड करवाना चाहिए, ठीक है। ये बताया गया था 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा। अभी यहाँ पे दो चीजें समझो कि सेंटर के द्वारा जो टैक्स कलेक्शन होता है, ठीक है, वो टैक्स कलेक्शन से ही जो स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है, वही ट्रांसफर करना है किसको, सेंटर को, स्टेट को, ठीक है। ये डिसाइड कौन करते हैं, ये डिसाइड करते हैं फाइनेंस कमीशन, ठीक है, यानी ये कितने ट्रांसफर करने होंगे टैक्स में से, वो डिसाइड करते हैं फाइनेंस कमीशन। मैंने बताया आपको कि भाई जो 14 फाइनेंस कमीशन है उन्होंने बताया यदि सेंटर 100 रुपये कलेक्ट करता है तो उसको स्टेट को 42 रुपये ट्रांसफर करने चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा डेटा भी दिया गया है जो पुराने डेटा है, 2015-16 में वो सिर्फ 35 था दूसरी कंडीशन, 19-20 में वो 32 था, ठीक है। रिकमेंडेशन कितना है, रिकमेंडेशन 42% है, लेकिन उससे कम किया गया। दूसरी चीज है कि यहाँ पे जो भी कोई कलेक्शन ये स्टेट करता है उसमें जो सर चार्जेस और सेस टैक्स है, ठीक है, जो सेंटर अलग से कलेक्ट करती है, जो सेंटर के पास ही जाता है, वो गिना नहीं जाता, यानी सेस स्वरूप में और सर चार्जेस के स्वरूप में जो भी सेंटर कलेक्शन करता है तो यहाँ पे स्टेट को देना नहीं पड़ता है, वो फंड सीधे सीधा सेंटर के पास रहता है, ठीक है। यहाँ पे इस फंड को सेंटर को स्टेट को देना नहीं होता है। तो यहाँ पे दूसरी चीज, यहाँ तक क्लियर है सबको, सबसे पहले कि भाई जो भी सेस टैक्स लगाया गया था वहां से जो भी कलेक्शन हुआ था वो कलेक्शन वो जिस भी सेक्टर के लिए इस्तेमाल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया हो, ठीक है, एजुकेशन या हेल्थ केयर सेक्टर के लिए किया हो, या जीएसटी कंपनसेशन टैक्स सेस स्वरूप में किया हो, तो उसका यूटिलाइजेशन वहां पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये टैक्स जो कलेक्ट किया है उसका पर्पज क्या है, उसका फोकस पर्पज है, ठीक है। लेकिन सेंटर ने वो क्या नहीं किया, वो ट्रांसफर किया नहीं, ठीक है, वो अपने फायदे के लिए रखता है, यहाँ पे इस प्रकार से दिखाया गया। हालांकि आपको बैलेंस व्यू लेकर चलना है, आपको सेंटर को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया, एक ही बात लिखनी है जो यहाँ पे लिखे कि इसको हम क्या कहेंगे, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोप्राइटरी, ठीक है, यही चीज हाईलाइट करनी है। दूसरी चीज कि सेंटर द्वारा इसे जो सेस और सर्च टैक्स फंड जो है जो कलेक्ट किए जाते हैं वो करने चाहिए पब्लिक अकाउंट फंड के अंदर, ठीक है, ये आपको इकोनॉमी में प्रिपेयर करना होगा। तीन टाइप के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, पब्लिक अकाउंट फंड और कंटेंजेंसी फंड। तो यहाँ पे एक चीज आपको और भी पता होगी कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है और जो पैसा होता है वहां से कोई भी पैसा गवर्नमेंट को अपने पर्पस के लिए निकालना है या तो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट में बकायदा बिल लेके आना पड़ेगा, ठीक है। जब बिल पास होगा, जब वो अप्रूव होगा, तब जाके वो पैसे ट्रांसफर होंगे, जबकि पब्लिक अकाउंट में गवर्नमेंट के जो भी कोई खर्च होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, उसके लिए उसको पार्लियामेंट में कोई बिल लाना नहीं पड़ता, इसका सिर्फ अकाउंटिंग होता है, ठीक है, इसमें प्रोसेस लंबी नहीं होती है। तो यहाँ पे कहा क्या गया, एक तो सेंटर क्या फोकस कर रहा है, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो सेस टैक्स ला रहा है, ठीक है, ताकि जो स्टेट को हिस्सा देना पड़े वो ना देना पड़े। दूसरी चीज, वो कलेक्ट तो कर रहा है लेकिन उसका इस्तेमाल पूरी तरीके से, पूरा इस्तेमाल जिस भी सेक्टर के लिए करना चाहिए उस पर नहीं कर रहा है, ठीक है, वो बचा के रख रहा है। और दूसरी चीज कि भाई इसके अलावा, यानी और नहले पे देहले जैसी बात है कि चलो कलेक्शन तो कर रहा है लेकिन वो फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा कर रहा है, ठीक है, ताकि वहां से पैसा निकालने के लिए जो पार्लियामेंट के पास बिल लाके पास करके फिर वहां से पैसा निकालना पड़े, ठीक है, उस पैसे को वो पब्लिक अकाउंट में डालते नहीं है। पब्लिक अकाउंट यानी आप और मेरे अकाउंट नहीं, ये गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट के ही अकाउंट होते हैं जहां पे आते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा आता है उसके लिए पार्लियामेंट में बिल लाके वहां पे अप्रूवल करा के फिर उसमें से हम पैसा निकाल सकते हैं, जबकि यहाँ पे जो भी कोई करंट गवर्नमेंट होगी, ठीक है, कांग्रेस हो तो कांग्रेस, बीजेपी हो तो बीजेपी और गठबंधन हो तो गठबंधन, तो वो पब्लिक अकाउंट से पैसा उसमें डाल सकती है, ठीक है, डाल सकती क्या, वहां पे कलेक्शन होता है और उस पैसे का इस्तेमाल अपने जिस भी प्रकार के बिजनेसेस है उसके लिए वो कर सकता है। तो यहाँ पे कितनी चीजें हमने देखी कि भाई सेंटर क्या करे, कलेक्शन करने के लिए स्टेट को हिस्सा ना देना पड़े, इसके लिए वो टैक्स कलेक्शन करे सेस स्वरूप में, ठीक है, वो भी पब्लिक अकाउंट में ना करते हुए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कर रही है। दूसरी चीज, जितना कलेक्शन आ रहा वो पूरा इस्तेमाल उसी क्राइटेरिया में नहीं करते, जैसे हमने हेल्थ और एजुकेशन में देखा था कि उन्होंने जो भी 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस कलेक्ट किया था वहां पे एजुकेशन पे तो उन्होंने खर्चा किया लेकिन हेल्थ पे किया नहीं, जिसका
नुकसान क्या हुआ कि अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक कंडीशन में हॉस्पिटल में वेंटिलेटर तो नहीं थे, लेकिन दूसरी भी जो बेसिक नीड होनी चाहिए, बेसिक सर्विस होनी चाहिए, ठीक है, वो भी नहीं थी, जिसके लिए और परेशानी पड़ी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे डिटेल में हाईलाइट की गई है। हालांकि यहाँ पे काफी सारे जो पॉइंट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हुए हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, जो भी बच्चे ना समझे हो वो एक बार इसको फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, आशा रखता हूँ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फोर्टीन फाइनेंस कमीशन का कार्य आर्टिकल 270, आर्टिकल 271, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट फंड। तो और भी डिटेल में समझने के लिए आप ये जो सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की गई है वो आपको जीएस में प्रिपेयर करनी है, तो अलग से आप देख लीजिएगा पूरी चीज, फिर इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा ताकि ये भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि पॉलिसी मेकिंग के स्वरूप में पूछी जाए, ठीक है, अप्लाई करने के लिए या क्या चेंजेस करने होंगे या क्या कर रही गवर्नमेंट या रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रोल, तो जीएस पेपर टू में आएगा। और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन पूछेंगे तो जीएस पॉइंट जीएस पेपर थ्री में आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक जो टॉपिक आया है वो आया है क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें काफी सारे पॉइंट डिस्कस किए गए, जो यूनाइटेड नेशन समिट होती है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, तो वहां पे अभी क्या किए, पांच रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किए जिसमें बहुत सारे डेटा है वो डिस्कस किए, तो बारी बारी से सारे जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ताकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शॉर्ट फॉर्म सीबीडी, स्पेशली फोकस होता है प्राणियों के ऊपर, जहाँ पे अभी उन्होंने क्या किया है, पांच यूनाइटेड नेशन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पांच रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या होता है, इस रिपोर्ट में एनिमल जो हैबिटेट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे एनिमल जो भी कोई एनिमल है जिस प्रकार का भी है वो घासचारे पे डिपेंडेंट है या दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट है, ठीक है, वो जहाँ पे भी रहते हैं वो या तो जंगल है या तो रिजर्वायर है, ठीक है, बायोस्फीयर है, जो भी है, तो उन सारे एरिया में क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस पर्पज से चेंजेस किए जाते हैं, उसी पे सारे रिपोर्ट बेस्ड होते हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पे बताई गई वो कि जो भी एनिमल हैबिट्यूट है, ठीक है, जहाँ पे एनिमल रहते हैं सर्वाइव करते हैं उनका घर है, तो उसको किसी भी कारणवश, ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए या रेसिडेंस के लिए यदि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जाता है, उसको प्राणियों को क्या कर दिया जाता है, बेघर कर दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि वो जो एनिमल हो, ठीक है, वो अपने नई जगह ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो इसमें एक एनिमल नहीं होती, ये पूरी आहार श्रृंखला होती है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी के अंदर प्रिपेयर करनी है, जो आपको एनसीईआरटी में और जीएस में एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी में कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे जो भी कोई आहार श्रृंखला होती है, ठीक है, मान लो कि जो घास चारे पे डिपेंडेंट है ऐसे एनिमल है, वो अपना एरिया चेंज करेंगे, तो कितना वो अपना एरिया चेंज करेंगे, जिस एरिया में भी जाएंगे वहां पे घास तो मिल जाएगी, वो उनके लिए खाना तो मिल जाएगा, लेकिन इन सारे जो एनिमल पे दूसरे एनिमल जैसे लायन टाइगर जो डिपेंडेंट है, ठीक है, आहार श्रृंखला में जो इनका शिकार करके इनको खाते, वो भी इनके पीछे पीछे आएंगे, ठीक है, वो भी पॉइंट है, आगे के पॉइंट में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो उनकी जो भी कोई सेफ जोन था, ठीक है, जंगल में या रिजर्वायर में, ठीक है, जहां से वो शांति से रह रहे थे, पूरी जो वल्नरेबल इकोसिस्टम थी वो क्या हो गई, वो डिस्टर्ब हो गई। इसकी इम्पैक्ट सिर्फ एक एनिमल पे या एक स्पीशीज पे नहीं पड़ती, सभी पे पड़ती। तो हमने ऐसा जो बेट है, ठीक है, उसमें भी देखा था कि उसके जो रेगुलर होम थे, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए, तो वो जो रेसिडेंस एरिया वहां आके रहने लगे, तो वहीं से जो डिजीज है, ठीक है, ये अपने जैसे कोरोना एग्जाम्पल है, सेम ऐसा रेबीज है, तो वो वहां से जो वायरसेस है वो इंडिया जो अपने ह्यूमंस है उसमें आने लगे। दूसरा, इसके द्वारा भी जो काफी सारी एक्टिविटी की जाती है, जैसे प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, दूसरा के जो सरफेस वाटर होता है, इनलैंड होता है, कोस्टल एरिया होता है, मरीन एरिया होता है, जिसको हम पोल्यूट करते हैं, जिसकी हमने काफी सारी पॉइंट डिस्कस किए हुए, वो भी WWF लिविंग प्लेनेट इंडेक्स में जारी होते हैं, तो ये भी आपको देख लेना चाहिए कि कौन से इंडेक्स में कौन कौन से पॉइंट हाईलाइट किए जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, पेरिस एग्रीमेंट का भी बार बार हम आपसे पॉइंट जो भी है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसमें हमने फ्लोरा फोना के भी जो हैबिटेट्स होते हैं, ठीक है, उसका क्या रखना है, उसका ध्यान रखना है, उसको फोकस करना है। ये पूरी चीज क्या है, ठीक है, कि इंसान जिस प्रकार से जो एनिमल का एरिया एनक्रोच करते रहते हैं, ठीक है, एनोक्स करते रहते हैं रेसिडेंस बनाने के लिए, जैसे आपको पता होगा पहले जितना भी एरिया था
सिटी एरिया गिनो या गांव के एरिया गिनो, मान लो इतना कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हो कि भाई जो ये इतना इतना एरिया है, ठीक है, जो कि हालांकि वो जंगल एरिया है जहाँ पे एनिमल रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, एनिमल एरिया में एक एक करके घर बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, एनिमल को ये यहाँ से भगा दिया जाता है, एनिमल यहाँ से भाग के कहाँ जाएगा, वो सीधे सीधे यहाँ से भाग के सीधा दूसरे जो रेसिडेंस एरिया है वहां पे चला जाएगा। तो यहाँ पे जो बाकी ह्यूमन है उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन वही है, हमने उसकी जो रेगुलर हैबिटेट थी, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय किया। तो ये सारी चीजें देखी। दूसरी, मैंने आपको जब एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में काफी सारे पॉइंट आपसे डिस्कस किए थे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको 2.2E थ्योरी के बारे में बताया था, जहाँ पे 2E में एक आएगा, एक तो आएगा इकोनॉमी, ठीक है, और दूसरा मैंने आपसे डिस्कस किया था वो था एनवायरमेंट। ये मैंने डिटेल में आपसे डिस्कस किया हुआ है। तो अभी क्या हो रहा है, इंडिया जो है वो किस पे फोकस कर रहा है, वो एनवायरनमेंट पे फोकस नहीं कर रहा है, वो फोकस कर रहा है इकोनॉमी के ऊपर। क्योंकि क्या कर रहा है, अगर इज ऑफ डूइंग बिजनेस हम देखें, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी होती है, ठीक है, वहां पे हमको अपना रैंकिंग ऊपर लाने के लिए जो भी कोई इंडस्ट्री है उसको ओपन करने के लिए जो भी लाइसेंस चाहिए, ठीक है, जो भी एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिए, वो आसानी से मिल जाए, कोई भी इसमें दिक्कत ना हो, इसके लिए जो एनवायरमेंट लाइसेंस रिलेटेड जितने रोथ है, ठीक है, उसको डाइल्यूट किया गया, उसको इजी किया गया, ताकि जो भी इंडस्ट्री ओपन हो सके, इंडस्ट्री ओपन हो सके तो वहां पे जो भी कोई वर्कर की जरूरत है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इकोनॉमिक बूस्ट हो सके। तो अभी इंडिया है वो इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस कर रहा है एनवायरमेंट की बजाय। तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, ठीक है, उसमें जो 2020 के जो भी क्राइटेरिया रखे हुए उसका फोकस है, टोटली फोकस है इकोनॉमी, ठीक है, कि जिससे कंपनी आए, इज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग अप हो, कंपनी आए, वो अपना प्लांट डाले, रोजगार क्रिएट हो और बेरोजगारों को रोजगार मिले, ठीक है, इकोनॉमी बूस्ट हो। तो इसी सारे पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए, बाकी जो पॉइंट मैंने आपसे फॉरेस्ट और बफर जोन के, ठीक है, ये भी आपको देख लेने होंगे, एनसीईआरटी में भी कवर होंगे और आपको अलग से जीएस के अंदर भी एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। करंट में जो भी कोई टॉपिक आए, जो भी कोई रिपोर्ट का नाम आए, जो भी चीजें आए, वो आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके उसको ध्यान में रखते हुए आपसे मैं मेनली बात करूं तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और मेंस में इसके ऊपर डिटेल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अभी ये सारे पॉइंट, ये जो एडिटोरियल है वो है अमेरिकन इलेक्शन को लेके, ठीक है, अपने काम का सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस है, रिपीट करता हूँ, यहाँ पे काफी सारी बात की गई है, ठीक है, अपने काम में सिर्फ अमेरिकन इलेक्शन टॉपिक महत्वपूर्ण है। यदि आपको नहीं पता है और आप समझना चाहते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिटेल कमेंट कर देना, यूएस इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो उसके लिए मैं जिसके आपको जो भी कोई करंट में टॉपिक चल रहा है उसके लिए मैं आपको स्पेशल लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ, उसी प्रकार से मैं इसके लिए भी आपको एक स्पेशल लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मैं सारे जो पॉइंट है अमेरिकन इलेक्शन के, यूएस इलेक्शन के, वो सभी डिस्कशन कर दूंगा, जो कि आपको पता होना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मेनली कि वहाँ पे इलेक्शन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यदि आपको समझनी हो तो आप कमेंट कर देना, तो मैं वो सारी डिटेल आपको अलग से स्पेशल लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि आपको यदि पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, एक कंडीशन में बता देता हूँ, वहाँ पे जो भी कोई इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे जो भी कोई प्रेसिडेंट बनने वाले हो, वो अपना विजन क्या है, वो किस प्रकार से फायदा करवा सकते हैं, या वो किस प्रकार से आगे के जो भी ईयर है उसमें फोकस करेंगे, उसकी वो डिटेल डिस्कशन करते हैं, ठीक है, ताकि जो भी कोई पब्लिक है उसको डिसीजन लेने में आसानी हो कि वो किसको वोट करेंगे। तो ये सारे पॉइंट वहाँ से ही है, मैंने बताया कि अमेरिकन इलेक्शन है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो वो यदि आपको नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं बता दूंगा। स्पेशली आप अपने अटेंडेंस देना ना भूलिए, आप किस एरिया से हैं, ठीक है, अपना नाम, एरिया का नाम, प्रेजेंट सर, थैंक यू सर करके कमेंट कीजिएगा, तो पता चले कितने बच्चे रेगुलर करंट अफेयर लेक्चर हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर ये डिस्कशन आई है जो हाथरस में जो रेप केस है उसके बारे में, तो इसकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैंने आपको कल डिस्कस किए हैं 2 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर एनालिसिस। तो यदि आपने वो पॉइंट नहीं देखे 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मेनली सारी जो चीजें हैं कास्ट क्राइम और क्रिमिनेशन के अंदर
इस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए डिटेल इंफॉर्मेशन में दिया है। हालांकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, तो आप ये बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी जो बच्चे हैं जिनको जितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। इसमें दूसरे भी काफी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हालांकि आप पढ़ सकते हैं यदि आपके पास टाइम है तो, और स्किप करना चाहे तो भी कर सकते हैं। फिर एक डिस्कशन करते हैं, वो है जो लेपर्ड और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो इससे पहले हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उसी टॉपिक में मैंने आपसे डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन किया था, जहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो भी कोई एनिमल होते हैं, स्पेशल हम किसी भी एनिमल का जब भी कोई घर या जो भी कोई हैबिटेट है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वो अपना जो एरिया है वो चेंज कर लेते हैं। तो सिर्फ यदि घास पे डिपेंडेंट है, बराबर, वही चेंज नहीं करते, उसके ऊपर जो आर्ट श्रृंखला में जितने जितने भी दूसरे एनिमल है जिन डिपेंडेंट है वो भी एरिया चेंज करते हैं। तो भाई मान लो बाकी के घास पे जो भी डिपेंडेंट एनिमल है जिनका खुराक ये इस्तेमाल करते थे, तो वो इनके पीछे पीछे वो भी जो रेसिडेंस एरिया होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट और काफ़ी सारे डेटा दिए गए, वो आपको याद नहीं रखना है। मेन चीज़ का आपको याद क्या रखनी है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ क्यों रहे, ठीक है, इसका मैंने आपको रीजन डिस्कस किया कि उनकी जो नेचुरल हैबिटेट थी, उनका रेसिडेंस था, वो किसी ना किसी कारणवश रेसिडेंसी के लिए, इंडस्ट्री के लिए क्या करते गए, जो इंसान है वो इस्तेमाल करते रहे, तो ये अपने खाना ढूंढने के लिए, ठीक है, वो रेसिडेंस एरिया में आ जाते हैं। अभी इनका टारगेट कोई भी हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, गाय हो सकता है, भेड़ हो सकता है, ठीक है, जो भी कोई पालतू पशु है वो हो सकता है, लेकिन इंसान भी आए तो इसको अपना फोकस उसका है फूड पे, ठीक है, तो इंसान को भी मानने से हिचके जाएंगे नहीं। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके लिए एक पॉलिसी उन ग्राउंड एक्शन के लिए जाहिर की गई है, जब कभी भी ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो तो कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी है। तो ये गाइडलाइन की बेसिक जो काफ़ी सारे पॉइंट है, ठीक है, मेजर पॉइंट पूरी चीज़ नहीं, मेजर पॉइंट है, वो आपको देख लेना होगा, ठीक है, पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर लेपर्ड इन इंडिया, ये आप देख लीजिएगा, ये यहाँ पे हाईलाइट की गई। देखिए करंट अफेयर किस प्रकार से पढ़ना है वो भी तरीका भी पता होना चाहिए, सिर्फ पढ़ना ही महत्वपूर्ण रखता। दूसरी बात कर लेते हैं, वो है टॉपिक इकोनॉमी बेस। तो इससे पहले मैंने आपसे एक टॉपिक डिस्कस किया था जहाँ पे हमने करंट अकाउंट सरप्लस की बात की थी, ठीक है, वो हमने डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया था, तभी मैंने आपको एक पॉइंट डिस्कस किया था कि सरप्लस होने के दो वे है। पहला क्या है कि इंडिया है वो अपना जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, इंडिया है अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए और जो इम्पोर्ट है वो कम करे तब भी सरप्लस हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने बताई थी, एक्सपोर्ट इतने का इतना ही रहे लेकिन इम्पोर्ट है, ठीक है, वो कम हो जाए तब भी सरप्लस हो सकता है, ये कंडीशन हमने देखे थे। यहाँ पे बताया गया है डिफिसिट के ध्यान में रखते हुए कि अभी जो 5 महीने चले, ठीक है, यहाँ पे 5 महीने की बात हुई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, ठीक है, इन महीनों के कंपेरिजन डेटा दिया गया है कि जो एक्सपोर्ट है उसमें 5.3% राइज हुआ है, ठीक है। रीजन भी ये हो सकता है कि भाई इतने टाइम से जितना मैन्युफैक्चर हो रहा था, जितने गुड्स अवेलेबल थे वो अभी इजी कंडीशन में, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस शुरू हो रहे हैं तो इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यू रहे तो अच्छा है हमारे लिए, कि यदि हमारा करंट अकाउंट है वो सरप्लस रहता तो अच्छी बात है, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा रहता है इम्पोर्ट के कंपेरिजन में तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इसका भी रीज़न क्या है, इम्पोर्ट कम होने का भी मैंने आपसे रीज़न डिस्कस किया था कि इंडिया भी सेल्फ रिलायंस कॉन्सेप्ट है उसको फोकस करके चल रहा है, जितना मेड इन इंडिया चीज़ इस्तेमाल हो सके उसको फोकस लेके इंडिया कार्य कर रहा है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है कि भाई ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो इंडिया खुद बना सकता है या उसमें इंडिया अपना कार्य कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने जो आईटी एक्सपर्ट है, ठीक है, सॉफ्टवेयर वाले में देखे, जहाँ पे हमने जो चाइना वाले जो एप्लीकेशन बैन किए थे वहाँ पे इंडिया अच्छा कार्य कर सकता है। दूसरा, हमने इंडिया को टॉय हब बनाने के लिए इंडिया में अच्छे अच्छे खिलौने बन सके, ठीक है, टॉय हब बन सके, इसलिए कार्य किया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जितना डिपेंडेंसी दूसरी कंट्री पे है उस डिपेंडेंसी को यदि हम किसी भी एक्शन प्लान से इंडिया पे पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो सके, सेल्फ रिलायंस हो सके, तो उस पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए हमने स्टार्टअप पे भी फोकस करना शुरू किया है गवर्नमेंट ने स्पेशली, कि भाई जो कोई भी स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है जिससे इंडिया को बेनिफिट हो तो उस पर फोकस किया जाएगा, उस चीज़ को आगे लेके आया जाएगा, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जो टेस्ला कंपनी है जिसके मालिक इलोन मस्क है वो भी इंडिया
नेक्स्ट ईयर आना चाहेंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है, अच्छी बात किस लिए है, क्योंकि टेस्ला कंपनी है वो इंटरनेशनली काफी साउंड कंपनी है। यदि वो इंडिया में आती है और इंडिया में अपनी कंपनी ओपन करती है, ठीक है, तो इंडियन जो भी कोई एक्सपर्ट होंगे उनको काम मिलेगा, ठीक है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और यदि वो सिर्फ कंपनी एज अ एक्सपोर्ट, एज अ हम इसका प्रोडक्ट बेस भी यदि मार्केट क्रिएट करता है, तब भी शोरूम ओपन करेंगे या कोई भी फ्रेंचाइजी ओपन करेंगे, तो उसके भी उसके लिए भी उनको वर्करों की जरूरत होगी, तो उस प्रकार से भी ये बेनिफिट देगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि भाई ऐसी कोई बड़ी कंपनी, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन और मार्केट वैल्यू अच्छा है, वो इंडिया में आती है, तो इंडिया की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू ये अच्छी बात है, जिससे इंडियन जो भी कोई एक्सपर्ट होंगे उसको कार्य मिल सकता है। तो खास यही सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में डिस्कस करनी थी, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट है ऑलरेडी हमने डिस्कस करके रखे हुए हैं, तो आप वो पुराने लेक्चर है वो देख सकते हैं, अपनी अटेंडेंस देना भूलिएगा नहीं, ठीक है। अपना नाम, फिर जिस भी एरिया से, और प्रेजेंट सर और थैंक यू सर करके आप कमेंट कर सकते हैं, तो पता चले करंट अफेयर की प्रिपरेशन कितने बच्चे हैं जो रेगुलरली करते हैं। और मैं हर बार कहता हूँ आपको, आप डेली बेस पे करंट अफेयर के जो भी लेक्चर हैं वो आप देखते रहिए, ताकि क्या हो, क्योंकि मैं काफी कम समय में, ठीक है, जितना जरूरी है उतना इंफॉर्मेशन, ठीक है, ज्यादा भी टाइम नहीं और कम भी टाइम नहीं, इफेक्टिव टाइम, कि उतने टाइम में आपको भी, फ्रेशर बच्चों को भी, और एक्सपीरियंस जो 5 से 6 महीने या 1 साल 2 साल से प्रिपरेशन करो, ठीक है, सभी को समझ में आ जाए, उस प्रकार से मैं सारे पॉइंट डिस्कस करता हूँ, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए और सबकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो देखते रहिए IELTS लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर। वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दूसरे बच्चों के जो UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। और यदि आप नए हैं और आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है करंट बेस्ड वो आपके पास आती रहे। और आपको कोई भी डाउट है तब भी आप कॉमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रिपरेशन के थ्रू या प्रिपरेशन को लेके या करंट के किसी भी टॉपिक को लेके, तो वो मैं स्पेशल लेक्चर के अंदर आपको टॉपिक प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं कल डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में। कल संडे है तो आफ्टरनून के बाद सेशन होगा साइंस इंटेक का स्पेशली, ठीक है, तो कल डिस्कशन करेंगे। यदि कोई चेंजेस होता है शेड्यूल में, कल UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का भी डेट है, तो जो भी बच्चे देने वाले उनको लिए बेस्ट ऑफ लक, आपके फ्रेंड देने वाले हैं तो उनको भी विश कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे लक मैटर नहीं करता है, लेकिन UPSC एग्जाम को लक्की एग्जाम कहा जाता है। तो जिस प्रकार से भी शेड्यूल होगा, ठीक है, उस प्रकार से कार्य करेंगे। अपडेट कोई भी ऐसी अपडेट होगी तो मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।